हेलो व्यूअर्स, आजकल एक हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा की बड़ी बाजगश्त सुनने में आ रही है और काफ़ी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और वकला जो हैं इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वीज़ा जो है 30 मई 2022 से शुरू हो रहा है। ये कैटेगरी जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 5 साल में ग्रेजुएशन की है उन यूनिवर्सिटीज से जो फर्स्ट 50 रैंक्स में आती हैं, टॉप 50 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। उसमें कोई यूके की यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूएस की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, कुछ कैनेडा की हैं, जर्मनी, एक आधी चाइना की, हांगकॉन्ग की यूनिवर्सिटी है उसमें, स्वीडन भी शायद, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी हैं, लेकिन यूके की कोई यूनिवर्सिटी उसमें शामिल नहीं है। तो ये वीज़ा जो है ये इनिशियली 2 साल का वीज़ा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की है इन लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में से पिछले 5 साल में, या अगर किसी ने PhD की है तो ये वीज़ा 3 साल का होगा। आगो के वीज़ा मिलने के बाद आप यहाँ जब आ जाते हैं तो ये एक्सटेंडेबल वीज़ा है इन डिफरेंट रूट्स, नॉट इन दिस पर्टिकुलर रूट। तो ये वीज़ा सिर्फ 2 साल का है, लेकिन बी केयरफुल कि आप अगर कहीं से एडवाइस ले रहे हैं तो अपनी लिस्ट पहले चेक कर लें कि आपकी जो ग्रेजुएशन है क्या वो वाकई इन टॉप 50 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में से अगर है, यू डेफिनेटली कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, अदरवाइज दिस रूट इज़ नॉट फॉर यू। थैंक यू, बाय।